तो दोस्तों आज हमारे पास जियो का F320B मॉडल आया हुआ है। तो दोस्तों ये मॉडल पहले कहीं दिखाया हुआ है, तो इसको एक प्रॉब्लम है, ये हैंग उन लोगों पर अटक रहा है। तो दोस्तों इसमें हमने देखा कहीं पर भी वाटर डैमेज नहीं है और मोबाइल को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नया जैसा मोबाइल है, लेकिन इसमें जो है ये हैंग उन लोगों पर अटक रहा है। तो ये पहले कहीं दिखाया हुआ था कस्टमर ने, तो इसको इसका किसी ने माइक चेंज किया था और ये तब से हैंग उन लोगों पर अटक रहा है। तो दोस्तों चलिए इस प्रॉब्लम को हम आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले जो किसी ने माइक बिठाया था, यहाँ पर पेस्ट ही बहुत ज़्यादा है और माइक भी प्रॉपर तरीके से नहीं बिठाया गया हुआ है इसका। तो देखेंगे इसके ट्रैक वगैरह अगर कुछ उखड़ गए हैं तो हम उसको भी ठीक करेंगे और नया वाला माइक लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें अगर आप कोई नॉर्मल माइक लगाते हैं तो ये वर्क नहीं करता, ये हैंग ऑन लोगों पर ही अटकता रहता है मोबाइल। तो इसको ठीक, ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए आपको ओरिजिनल माइक ही लगाना पड़ेगा इसको। और दोस्तों ये देखिए, ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बिल्कुल हार्डवेयर ही प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपके पास, अगर मार्केट में आपके पास माइक नहीं, तो आप किसी ऐसी स्ट्रिप का ओरिजिनल माइक निकाल कर भी आप लगा सकते हैं, या फिर किसी सीसी बोर्ड, ख़राब सीसी बोर्ड, अगर आपने कोई चार्जिंग सॉकेट के लिए कोई सीसी बोर्ड बदला हुआ है तो आप उसका भी माइक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइक सेम ऐसा होना चाहिए। तो ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी 3-4 ओरिजिनल माइक है और फिर भी मैं मार्केट से टेस्ट करने के लिए कौन सा माइक इसको वर्क करता है कौन सा नहीं, तो मैं माइक मार्केट से 2 टाइप के माइक लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये जो लूज़ वाला है, ये जो छुट्टा वाला माइक मिलता है ये लाल कलर का, तो इसमें ये वर्क नहीं करता दोस्तों। और ये जो है ये वाईकॉम सीरीज़, तो ये जो वाईकॉम सीरीज़ के ये जो माइक है ये इसमें 100% वर्क करता है। मैंने इसमें से ही एक लगाया हुआ है, ये वाईकॉम सीरीज़ का ही लगाया हुआ है जो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह दिखता है और वो ओरिजिनल ही माइक है। तो दोस्तों हमने वो माइक लगा दिया हुआ है और ये देखिए हमारे हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम तो चला गया है, लेकिन अब हम देखेंगे इसमें कि हमारा माइक वर्क करता है या नहीं। तो दोस्तों सिंपल एक ही माइक में मेरा काम हो चुका है, तो मैं आपको यहाँ टेस्ट करके बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जैसे नॉर्मल माइक बिठाते हैं उसी तरह से मैंने ये माइक बिठाया हुआ है। इसमें ज़्यादा आपको हीट कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, जैसा हम हर बार नॉर्मल माइक बिठाते उसी तरह से आपको हीट रखना होगा। हेलो, तो ये देखिए ये माइक 100% वर्क कर चुका है। आपको वीडियो समझने में कोई दिक्कत आ रही है तब आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।